The Shield, the Hounds of Justice, Dean Ambrose, Seth Rollins or Roman Reigns? WWE का one of the greatest factions ever. कैसे बना Shield? क्या Shield का आइडिया CM Punk का था? क्या Roman Reigns originally Shield का पार्ट नहीं थे? क्या हुआ जब Shield ने Undertaker और केन पर अटैक कर दिया? क्यों नहीं चले शील्ड के 2017, 18 और 19 के रीयूनियन? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। शील्ड का डेब्यू हुआ था सर्वाइवर सीरीज 2012 पर। सीएम पंक चैंपियन थे और अपना टाइटल रायबैक और सीना के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड कर रहे थे। यहां अचानक से सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस ने आके इस मैच में इंटरफियर कर दिया और पंक ये मैच जीत गए। नवंबर 26, 2012 के रॉ पर इस ग्रुप ने अपने आप को शील्ड कहा और बताया कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि उनका और सीएम पंक का कोई रिश्ता नहीं है, मगर ना जाने क्यों अगले कुछ हफ्तों तक वो पंक के अपोनेंट्स पर अटैक करते रहे। दिसंबर 5 के रॉ पर उन्होंने ब्रैड मैडक्स के अगेंस्ट ऑर्टन के मैच के बाद ऑर्टन पर अटैक कर दिया। शील्ड का इन रिंग डेब्यू हुआ दिसंबर 16, 2012 के TLC पर, जहां उन्होंने रायबैक और टीम हेल नो मतलब डैनियल ब्रायन और केन को टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच में हराया। TLC के बाद भी शील्ड पंक और मैडक्स के दुश्मनों पर अटैक करता रहा, जैसे कि रिक फ्लेयर, ब्रॉडस क्ले और शेमस, मगर साथ ही बाकी रेसलर्स को भी वो अपना निशाना बनाने लगे, जैसे बिग फॉली, टॉमी ड्रीमर और रिकार्डो रॉड्रिग्यू। कुछ रेसलर्स को इंजरीज से टीवी से राइट ऑफ करने के लिए भी शील्ड का यूज किया गया, जैसे हुआ रैंडी ऑर्टन और सिन कारा के केस में। जनवरी 7, 2013 के रॉ के एपिसोड पर सीएम पंक वर्सेस रायबैक के TLC मैच में शील्ड ने रायबैक पर अटैक किया और पंक को टाइटल रिटेन करने में मदद की। दो हफ्ते बाद रॉ पर शील्ड ने पंक के रॉयल रंबल अपोनेंट रॉक पर अटैक कर दिया। इस पर विंस मिकमैन ने आके कहा कि अगर रॉयल रंबल के रॉक वर्सेस पंक मैच में शील्ड इंटरफियर करता है तो पंक से टाइटल छीन लिया जाएगा। चार दिन बाद स्मैकडाउन पर पंक ने कहा कि उनका शील्ड से कोई नाता नहीं है और वो नहीं चाहते कि शील्ड रॉयल रंबल पर उनके टाइटल मैच में इंटरफियर करे। रॉयल रंबल पर टाइटल मैच में रॉक ने सीएम पंक को स्पाइन बस्टर दे दिया था और पीपल्स एल्बो के लिए सेट करने ही वाले थे कि लाइट्स चले गए। जब वापस आए तो ऐसे दिख रहा था कि रॉक को शील्ड ने टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया है, मगर अंधेरे में किसी ने शील्ड को नहीं देखा था। पंक ने अपने चेहरे पर सरप्राइज दिखाया और रॉक को रोल करके पिन कर दिया, एंड व्हाट अ सरप्राइज, ही वाज स्टिल द WWE चैंपियन। तभी वहां विंस आ गए और कहा कि ये डेफिनेटली शील्ड का इंटरफेरेंस था और मैच फिर से शुरू हुआ। इस बार रॉक ने पीपल्स एल्बो से पंक को हराया और WWE चैंपियन बने। अगले दिन रॉ पर एक फुटेज दिखाया गया जिससे ये पता चला कि पंक के मैनेजर पॉल हेमन शील्ड और मैडक्स को पंक की मदद करने के लिए पैसे दे रहे थे। उसी रात शील्ड ने जॉन सीना पर अटैक कर दिया और सीना को बचाने आए शेमस और रायबैक भी पीटे गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैडक्स ने कहा कि उन्होंने ही मिकमैन को शील्ड का फुटेज दिया था, जिससे पता चला था कि वो हेमन और पंक के लिए काम कर रहे हैं। शील्ड ने आके मैडक्स पर अटैक कर दिया, मगर उन्हें बचाने सीना, रायबैक और शेमस आ गए। शील्ड ने कहा कि उनके अटैक्स जायज है क्योंकि 10 साल से सीना के रूप में सब पर अन्याय हो रहा है और वो इस डेकेड ऑफ इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे। एलिमिनेशन चेंबर पर शील्ड ने फेस किया सीना, रायबैक और शेमस को। शील्ड इस 6-man टैग मैच को जीत गया। अगले रात रॉ पर शील्ड ने अपना पहला रॉ मैच रेसल किया और उन्होंने रायबैक, शेमस और जेरिको को हराया। इसके बाद कुछ हफ्तों तक शील्ड ऑर्टन, शेमस, बिग शो और रायबैक पर अटैक करता रहा। रेसलमेनिया 29 पर शील्ड ने ऑर्टन, शेमस और बिग शो की टीम को हराया। अप्रैल 8 के रॉ पर शील्ड ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया, मगर उन्हें बचाने टीम हेल नो आ गए। अप्रैल 22, 2013 के रॉ पर हमें एक
ड्रीम मैच देखने मिला, द शील्ड वर्सेस द अंडरटेकर केन और डैनियल ब्रायन, मतलब ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और टीम हेल नो का कॉम्बिनेशन। क्या बात है, ये मैच शील्ड जीत गया। उसी वीक स्मैकडाउन पर एम्ब्रोज ने अपना सिंगल्स डेब्यू किया अंडरटेकर के खिलाफ। ये मैच तो वो सबमिशन से हार गए, मगर मैच के बाद शील्ड ने अंडरटेकर पर अटैक करके अनाउंसर टेबल पर उन्हें ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया। व्हाट अ मोमेंट। अगले वीक रॉ पर शील्ड ने टीम हेल नो और जॉन सीना को हराया। यहाँ रेन्स ने सीना को पिन करते हुए शील्ड के लिए ये मैच जीता था। इसके बाद एम्ब्रोज ने यूएस चैंपियन कोफी किंगस्टन के साथ फ्यूड शुरू किया और एक्सट्रीम रूल्स पर कोफी को हराकर वो यूएस चैंपियन बने। उसी रात रॉलिंस और रेन्स ने टीम हेल नो को हराया और टैग टीम चैंपियंस बने। व्हाट अ नाइट फॉर द शील्ड। आज शील्ड का हर मेंबर चैंपियन था। मई से अगस्त तक शील्ड चैंपियंस रहे और अलग अलग अपोनेंट्स से रेसल किया। एम्ब्रोज ने किंगस्टन केन रॉब वैन डैम को फेस किया, वहीं रॉलिंस और रेन्स ने फेस किया टीम हेल नो, ऑर्टन और ब्रायन और उसोज को। अगस्त 19 के रॉ के एपिसोड पर शील्ड WWE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ट्रिपल एच के लिए काम करने लगा। ट्रिपल एच के चोजन WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन की डैनियल ब्रायन के खिलाफ मदद करने लगा, और जो भी ट्रिपल एच के खिलाफ आवाज उठाता जैसे कि जिगलर और बिग शो, उन पर भी शील्ड ने अटैक कर दिया। नाइट ऑफ चैंपियंस पर एम्ब्रोज ने जिगलर के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन किया, वहीं रॉलिंस और रेन्स ने प्राइम टाइम प्लेयर्स को हराया और टैग चैंपियंस बने रहे। अक्टूबर 14 के रॉ पर रॉलिंस और रेन्स अपने टैग टाइटल्स हार गए। बिग शो के इंटरफेरेंस का फायदा लेते हुए उनको हराकर कोडी रोड्स और गोल्डस्ट टैग चैंपियंस बने। हेल इन अ सेल पर रॉलिंस और रेन्स अपने टाइटल वापस जीतने में नाकाम रहे। यहाँ वो उसोज और रोड्स ब्रदर्स के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट टैग मैच नहीं जीत पाए। वहीं बिगी लैंगस्टन के खिलाफ एम्ब्रोज भी अपना मैच हार गए, मगर वो काउंट आउट से हारे थे तो टाइटल अब भी उनके पास था। अक्टूबर 28 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर पहली बार शील्ड में दरार की संभावना नजर आई। एम्ब्रोज ने कहा कि वो अकेले शील्ड मेंबर है जो चैंपियन है। ये कहने के बाद अगले कुछ हफ्ते शील्ड के मैचेस में एम्ब्रोज ही पिन होते रहे। सर्वाइवर सीरीज पर शील्ड और रियल अमेरिकन मतलब एंटोनियो सेजारो और जैक्स फैगर की टीम ने फेस किया रे मिस्टेरियो, रूड्स ब्रदर्स और उसोज को। यहाँ शील्ड की टीम मैच जीत गई, मगर एम्ब्रोज सबसे पहले एलिमिनेट हो गए थे। रेन्स आखिरी सर्वाइवर थे। इसके बाद फेस बनकर आए सीएम पंक और शील्ड का फ्यूड शुरू हुआ। टीएलसी पर पंक ने शील्ड को हैंडीकैप मैच में फेस किया, मगर यहाँ रेन्स ने गलती से एम्ब्रोज को स्पीयर दे दिया और पंक ये मैच जीत गए। कहा जाता है कि इस पॉइंट पर WWE शील्ड को ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा था, मगर बाद में मैनेजमेंट को लगा कि तीनों को और एक्सपीरियंस की जरूरत है और उन्हें साथ रखा गया। 2014 की शुरुआत में भी शील्ड में कुछ अनबन नजर आई। January 6, 2014 के रॉ के एपिसोड पर रेन्स पंक को हराने वाले शील्ड के इकलौते मेंबर बने। रॉयल रंबल मैच में तीनों रॉलिंस एम्ब्रोज और रेन्स शामिल हुए। यहां एम्ब्रोज ने रेन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की, जिससे भड़ककर रेन्स ने दोनों एम्ब्रोज और रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया। January 27, 2014 के रॉ के एपिसोड पर शील्ड ने फेस किया डैनियल ब्रायन, जॉन सीना और शेमस को, मगर यहां वायट फैमिली ने इंटरफेयर किया और शील्ड ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से हार गया। एलिमिनेशन चेंबर पर एक ड्रीम मैच सेट किया गया, शील्ड वर्सेस द वायट फैमिली। मैच के दौरान एम्ब्रोज और वायट रेसल करते हुए क्राउड में चले गए, मगर रिंग में सिर्फ वायट ही वापस आए, जिससे ये 3-on-2 मैच हो गया और वायट फैमिली ने शील्ड को हरा दिया। March 3, 2014 के रॉ के एपिसोड पर वायट फैमिली के खिलाफ अपना रीमैच भी शील्ड हार गया। इस बार कारण थे सेथ रॉलिंस, जो बीच में ही ये मैच छोड़कर चले गए। March 7, 2014 वो एक हिस्टोरिक स्मैकडाउन है, जहां शील्ड के तीनों मेंबर्स
अपनी गलत फहमियां दूर करने के लिए आमने सामने आ गए। रॉलिंस ने कहा कि वो एम्ब्रोज और रेन्स को साथ लाना चाहते थे और इसी के लिए रिंग छोड़कर चले गए। सेगमेंट के एंड में अपने गिले शिकवे भूलकर शील्ड फिर से एक हो गया। दो हफ्ते बाद रॉ पर शील्ड पहली बार हील से फेस बन गया जब उन्होंने जेरी लॉलर पर अटैक करने से मना कर दिया और उल्टा ये कहने वाले केन पर ही अटैक कर दिया। इसके साथ ही वो अथॉरिटी के खिलाफ हो गए। रेसलमेनिया 30 पर न्यू एज आउटलॉज और केन को शील्ड ने हरा दिया और अपना डोमिनेंस साबित किया। अप्रैल 2014 में ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा एक साथ आ गए एवोल्यूशन को रिफॉर्म करके शील्ड को टक्कर देने के लिए। क्या मोमेंट था। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स पर शील्ड ने एवोल्यूशन को हराया। अगले दिन मई 20th 2014 के रॉ पर ट्रिपल एच ने एम्ब्रोस को अपना यूएस टाइटल डिफेंड करने के लिए 20 रेसलर के बैटल रॉयल में डाला जहां एम्ब्रोस अपना टाइटल हार गए। पेबैक पर भी एवोल्यूशन ने शील्ड को फेस किया मगर उन्हें हराने में नाकाम रहे। शील्ड ये मैच जीत गया। एक तरह से एवोल्यूशन ने शील्ड को पुट ओवर करके नए स्टार्स बनाने का रेसलिंग का जो धर्म है उसे निभाया था। जून 2014 के रॉ पर ट्रिपल एच ने कहा कि शील्ड के खिलाफ एवोल्यूशन की जंग वो जारी रखेंगे मगर उसी रात बटिस्टा ने WWE छोड़ दिया तो ट्रिपल एच ने कहा कि अब उनके पास प्लान बी है। जब शील्ड रिंग में थे तो शॉकिंगली रॉलिंस ने रेन्स और एम्ब्रोस पर चेयर से अटैक कर दिया और अथॉरिटी के साथ जुड़ गए। ये खतरनाक ट्विस्ट था। अगले हफ्ते रॉलिंस ने कहा कि ये एक बिजनेस डिसीजन है और वो अपना खुद का क्रिएशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके बाद शील्ड के रास्ते अलग हो गए। जहां एम्ब्रोस ने रॉलिंस से बदला लेने का अपना इरादा डिक्लेयर कर दिया वहीं रेन्स ने अपनी निगाहें वर्ल्ड टाइटल की तरफ की। जहां एम्ब्रोस नए लुक और थीम म्यूजिक के साथ नजर आए वहीं रेन्स अपने शील्ड का लुक और म्यूजिक कंटिन्यू करते रहे। जून 24, 2014 के मेन इवेंट पर प्रोमो में रेन्स ने कहा कि ही इज ऑन हिज ओन, वो अकेले है, जिसका मतलब शील्ड का एंड हो चुका था। शील्ड को एक साथ देखने के लिए हमें 3 साल इंतजार करना पड़ा। जुलाई 2017 में एम्ब्रोस रॉ पर ड्राफ्ट किए गए और काफी नोक झोंक के बाद एम्ब्रोस और रॉलिंस एक साथ हो गए और समरस्लैम 2017 पर शेमिस और सिजेरो को हराकर टैग चैंपियंस भी बने। अक्टूबर 9, 2017 के रॉ पर रेन्स भी एम्ब्रोस और रॉलिंस से जुड़ गए और 3.5 साल बाद हमें शील्ड सही मायने में एक साथ दिखा। व्हाट अ मोमेंट। मगर अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते बाद ही रेन्स को हेल्थ की वजह से ब्रेक लेना पड़ा। रॉलिंस और एम्ब्रोस न्यू डे के इंटरफेरेंस की वजह से अपने टैग टाइटल्स सेमिस और सिजारो से हार गए। सर्वाइवर सीरीज पर रेन्स भी वापस आ गए और शील्ड ने न्यू डे को हराया। मगर शील्ड का ये 2017 का रीयूनियन कुछ खास जम नहीं पाया क्योंकि अब एम्ब्रोस इंजोर हो गए और दिसंबर 2017 से रेसलिंग से दूर रहे। अगस्त 2018 में एम्ब्रोस अपनी इंजरी से वापस आ गए और अगस्त 20th 2018 के रॉ पर शील्ड का फिर से रीयूनियन हुआ। अक्टूबर 6, 2018 पर सुपर शोडाउन पर शील्ड ने स्ट्रोमन, जिगलर और मैकेंटायर को हराया मगर 2 ही हफ्तों में अपने रियल लाइफ ल्यूकीमिया के कारण रेन्स को WWE से ब्रेक देना पड़ा और शॉकिंगली उसी रात एम्ब्रोस ने रॉलिंस पर अटैक कर दिया और शील्ड का ये रीयूनियन खत्म हो गया। जनवरी 2019 में WWE ने अनाउंस किया कि एम्ब्रोस अपना अप्रैल में खत्म होने वाला WWE कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते। फरवरी 25, 2019 के रॉ पर रेन्स ल्यूकीमिया से ठीक होके वापस आए और रॉलिंस के साथ जुड़ गए। उसी रात एलियास, बॉबी लैशली, ड्र्यू मैकेंटायर और बायरन कॉर्बिन के अटैक से एम्ब्रोस को बचाने दोनों रेन्स और रॉलिंस रिंग में आ गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैकेंटायर, लैशली और कॉर्बिन के अटैक से रेन्स और रॉलिंस को बचाने एम्ब्रोस आ गए थे और सालों बाद तीनों ने अपना शील्ड का पोज दिया। शील्ड फिर से एक हो गया था। फास्ट लेन पर शील्ड ने मैकेंटायर, लैशली और कॉर्बिन को हराया।
इसे शील्ड का फाइनल मैच कहा गया था। एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वन लास्ट टाइम WWE नेटवर्क के स्पेशल शो द शील्ड्स फाइनल चैप्टर में हमें शील्ड एक साथ दिखा। यहाँ शील्ड ने कॉबिन, लैशली और मैकेंटायर को हराया। इसके बाद डीन एम्ब्रोस WWE छोड़कर AEW चले गए। इंटरेस्टिंग चीज है कि शील्ड का आइडिया CM Punk का था और रोमन रेंस ओरिजिनली शील्ड का पार्ट नहीं थे। CM Punk इस ग्रुप में चाहते थे डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और कैशियस ओनो को, जो क्रिस हीरो नाम से भी जाने जाते हैं और पंक के दोस्त है। पंक ने ट्रिपल एच से आइडिया डिस्कस किया और ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन से, दोनों को ये पसंद आया मगर उन्होंने क्रिस हीरो की जगह रोमन रेंस को शील्ड में ऐड किया। आज हम रोमन रेंस के बिना शील्ड इमेजिन भी नहीं कर सकते। शील्ड की लेगेसी ये है कि एवोल्यूशन की तरह ही उनका हर मेंबर अपने आप में एक बड़ा स्टार बना। क्या आप फिर से एक बार शील्ड को WWE में देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए। वैसे आज की तारीख में ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि एम्ब्रोस आज AEW में है, मगर नेवर से नेवर। किसने सोचा था कि 2014 के बाद CM Punk WWE वापस आएंगे। तो ये थी कहानी द शील्ड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।